नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है स्टॉक टिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने एक बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। आपका ज्ञान और प्रॉफिट उनका मोटिव हम बनाए रखेंगे। तो दोस्तों आज हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करें और बैंकिंग सेक्टर में कुछ ऐसे शेयर है दोस्तों जो कि बहुत बुरी तरह गिर रहे हैं। तो दोस्तों उसमें से एक शेयर है दोस्तों, उसका नाम RBL बैंक है, जो कि बहुत ही एक परफॉर्मेंस बैंक लग रही थी सबको। जितने भी एक्सपर्ट थे उस पर अपनी व्यूज़ दे रहे थे, कह रहे थे लंबा घोड़ा बन सकता है, मगर दोस्तों लंबा घोड़ा अचानक में लंगड़ा कैसे बन गया, ये वाली बात आपको थोड़ी समझ में नहीं आई होगी। तो दोस्तों आपको बताते हैं सब बातें विस्तार से, और ये शेयर में आपको बनना है या फिर यहाँ से क्विट करना है या फिर आपको इसको वेट एंड वॉच करके नीचे आने का वेट करना है। तो दोस्तों ये बातें सब आपके सामने रखेंगे, मगर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन से ज़रूर दबाना दोस्तों। जब भी मैं हमारा वीडियो बनेगा सीधा आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आपका नॉलेज और प्रॉफिट बन का मोटिव बना रहेगा। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं सीधा टेक्निकल चार्ट पर, वहाँ जानेंगे बहुत सारी बातें रिलेटेड RBL बैंक। दोस्तों हम अभी आए टेक्निकल चार्ट पे RBL के। RBL में देख रहे दोस्तों किस तरह से पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से मार्केट लगभग कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं मार्केट ने गिरावट दिखाई है। जैसे मार्केट गिरता गया दोस्तों वैसे संभलने का एक भी मौका नहीं मिला उसको। आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा संभलने की कोशिश की मगर मार्केट संभल नहीं पाया। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं RBL के बारे में, ये मैं नहीं जानता, मगर दोस्तों आपको बात बताते सेम एज इट इज़ एक सिस्टम हुआ था यस बैंक में दोस्तों, वो शेयर गिरना चालू हुआ था, उसने थमने का नाम नहीं लिया था दोस्तों। एज इट इज़ यस बैंक के साथ में ऐसा हुआ था, तो वैसे ही RBL बैंक के साथ में हो रहा है दोस्तों। ये गिरावट का माहौल नहीं मान सकते हम, एक ही सेक्टर के दोनों शेयर दोस्तों सेम एज इट इज प्लानिंग दिखाते हुए अपना काम करते हुए दोस्तों, जिस तरह से इसका पैटर्न बना है वो सेम एज इट इज पैटर्न बना है आपके यस बैंक में। आप देख सकते हैं जाके देखिए दोस्तों वहाँ पे किस तरह से पैटर्न बने हुए हैं और किस तरह से मार्केट डाउन होते गए। कई बार मार्केट में एक रैली आई है यस बैंक के, वैसे ही रैली यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन करने के बाद ये मार्केट ने थोड़ा ऊपरी लेवल दिखाया, मगर दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े जानकार की एक एक्सपर्ट की राय थी अगर 350-400 का लेवल पे होल्ड कर जाता है तो लेवल ये आने वाले दिनों में 900 या 800 का दिखा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबके दावे झूठे साबित होते हुए देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19 मई के आसपास ये 19 मई जून में ये शायद हाई बना था दोस्तों, वहाँ पे आपको पूरी इन डिटेल्स मिल जाएगी अगर आप इसको खोजबीन करेंगे तो। दोस्तों मैं तो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, देखिए दोस्तों ये रहा उसका हाई, लगभग ये बना था 28 मई 2019 में उनका हाई बना है 717 रुपये का, उसके बाद कंटिन्यूसली शेयर नीचे गिरता चला गया है दोस्तों। लगभग आप एक साल में देख सकते हैं शेयर 700 का हाई बनाने के बाद कहाँ पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, लगभग मार्केट इतना नीचे आ चुका है। उन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिए हैं नहीं है, ये आप जाके एनालाइज कर लेना दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ आपके सामने, एक तो अच्छा शेयर रखता हूँ या फिर बहुत बुरा शेयर रखता हूँ, जिसमें और घिनौना कुछ होने वाला ऐसे शेयर रखता हूँ दोस्तों। तो आपको अवेयर करता हूँ शेयर्स में इन्वेस्टिंग ना करें, ऐसे शेयर या इन्वेस्टिंग करने वाले शेयर्स ऐसे शेयर रख के आपका जो नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको एक क्लियर सिग्नल तो मिल गया है, अभी यहाँ से मार्केट जो गिर रहा है इसमें अभी भी एक बड़ी गिरावट बाकी है दोस्तों। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों, इसमें और एक बड़ी गिरावट बाकी है, थोड़ा संभलना है आपको। देखिए दोस्तों अभी यहाँ से सेम एज इट इज़ यहाँ पे 20% यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, 15% मार्केट गिर रहा है RBL का पर डे के हिसाब से दोस्तों। यहाँ पे छोटी सी बात नहीं है, अगर कोई शेयर 200 से लेके अभी 100 पे आया है, 400 से लेके 200 पे आया है, 200 से लेके 100 पे आया है दोस्तों, 50% हर हफ्ते अगर शेयर टूट रहा है तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट अभी भी बाकी, ये शेयर अभी भी देना वाला है आपको एक डाउन मूवमेंट, कुछ डाउन मूवमेंट आने वाली है दोस्तों। आप यहाँ से देख सकते हैं, छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों ये रहा लेवल मार्केट में, लगभग ये लेवल है 219 रुपये का, वहाँ से मार्केट जो गिरना चालू हुआ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे इकरा मूडीज और तुम्हारा नुमेरोज इन्होंने बैंक निफ्टी को दोस्तों डीग्रेड कर दिया है, मतलब इसका जो रेटिंग है वो डाउन हो चुका है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में अभी भी आपको एक बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने वाली, क्योंकि दोस्तों अभी तो यहाँ पे कोरोना वायरस ने अपने पैर फैलाए हैं, पैर फैलाने के बाद आप देख सकते हो इंडिया में स्थिति क्या बनती जा रही है धीरे धीरे। तो दोस्तों ये एनालिसिस आप झूठ भी मान सकते हैं,
या फिर नहीं मान सकते, आपके ऊपर निर्भर करता है। मगर दोस्तों मैं चाहता हूँ RBL बैंक में अगर किसी ने पैसा लगाया है तो प्लीज़ प्लीज़ आपको गुहार लगा रहा हूँ, आप अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दीजिए। उसमें ये नहीं बोल रहा कि पूरा ही निकाल दीजिए, कम कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा एक पुश डाउन मोमेंट आने वाला है, उससे आपका थोड़ा सा लॉस और बढ़ सकता है। तो दोस्तों आप वो थोड़ा कैपिटल निकाल के दूसरे में प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे मैंने दोस्तों आपको शेयर कहा है, इंडिया ग्लाइकोल एक बढ़िया शेयर है, अभी मैंने दिया हुआ एक शेयर बहुत ही बढ़िया, अभी ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों अपर साइड में, उसमें आप पैसा डाल के पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लग रहा है और एक बढ़िया शेयर है तो आपको उसको इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, वैसे बढ़िया शेयर आपको दे तो चलूँगा। मगर दोस्तों अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो हमारे साथ आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो, वहाँ पे लगभग आपको 28,000 के ब्रोकरेज के डिस्काउंट रेट पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों ये ब्रोकरेज में आपको डिस्काउंटेड ब्रोकर है दोस्तों, इसमें आपको चार्जेस कम लगेगी, आपके जो फीस है प्रोसेस चार्जेस वो कम रहेगी, और आप सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर आपका जो ब्रोकरेज होता है वो बहुत ही कम है। दोस्तों ये बात समझिए आप और हमारे साथ अकाउंट ओपन कीजिए, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा और जिसके कारण आप मेरे साथ भी जुड़े रहेंगे। अगर कोई हमारे साथ अकाउंट ओपन करता है तो दोस्तों उसे मैं मेरे WhatsApp ग्रुप में आने के लिए जगह दूंगा। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर लेके चलेंगे आपको NXT साइड पर और जानेंगे बहुत सारी बातें। देखिए दोस्तों अभी यहाँ आप देख सकते हैं कितना मार्केट में रेंज चल रहा है, 110.95 पैसे का यहाँ पे मार्केट चल रहा है RBL का। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जैसे मैंने कहा दिन में 20 या 15% डाउन रहता है मार्केट इसका अभी फिलहाल तो दिनों के दिनों में, जिसके कारण ये शेयर अभी भी और डाउन मूवमेंट दिखाने के लिए तैयार है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 20.35 रुपये अभी भी मार्केट डाउन है, और उसका प्रीवियस क्लोज देखिए दोस्तों 131.30 रुपये का, तो ओपनिंग देखिए 136.95 रुपये की, और क्लोजिंग देखिए दोस्तों 110.95 रुपये की, जो कि लगभग 20 रुपीज़ के लगभग उसमें डाउन है, जो कि बहुत ही एक बड़ी गिरावट है। दोस्तों यहाँ देख सकते हो आप किस तरह से ये शेयर गिरा हुआ है, और गिरावट में इसने क्लोजिंग भी कहा दी है दोस्तों, उसके जो लास्ट पॉइंट वाले है पॉइंट्स है उस रेंज में उसने क्लोजिंग दी हुई है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए दोस्तों यहाँ पर देखिए जो उसका 52 वीक्स है, 52 वीक्स के बाद लो आता है दोस्तों, उसमें देख सकते हैं ये हाई है दोस्तों 716 रुपये, जैसे मैंने कहा मई में बना था। देखिए दोस्तों 716 और अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 110 रुपये पे, मतलब उसने रिसेंटली एक लो बनाया है 109 रुपये का, जो कि उस दिन का ही लो है। तो दोस्तों ये बात समझ लो कि अभी मार्केट टोटल कितने पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, अगर 716 रुपया 100% है तो ये कितना परसेंट है दोस्तों, 15% मार्केट ट्रेड कर रहा है, इतने पे ट्रेड कर रहा है, 15% पे ट्रेड कर रहा है। इट्स एन आउट ऑफ जोक्स, यहाँ पे जोक वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर आप 85% इरोड कैपिटल कर चुके हो तो दोस्तों इससे कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। हमने कई बार सिग्नल दिए RBL बैंक बड़ी बनने वाली है, मगर दोस्तों उसके बाद गिरावट भी दिखी है, तो हमने कई कस्टमर्स को हमारे क्लाइंट्स को हमने कहा था वहाँ से फंड को रिम्यू कीजिए, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे जो दिखता है ना, शायद किसी को वो चीज़ें ऐसी नहीं दिखती है जो टेक्निकल चार्ट बताता है। दोस्तों यहाँ पे तो बात समझ में आई, थोड़ा सा नीचे चलते और जानेंगे किस कदर यहाँ पे हमें बाइंग और सेलिंग दिखने मिल रही है। दोस्तों यहाँ पे बाइंग देखिए कैसी है, 3678 यहाँ पे बाय क्वांटिटी में गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे BTC ज़्यादा चल रहा है, बाय टुडे सेल टुमारो 1 रुपये पे मिल गया, तो दोस्तों लगभग यहाँ पे 3000 के ऊपर 3000 के ऊपर उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। दोस्तों टोटल यहाँ पे 4,40,27,691 यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड हुई, उसमें से 72,83,185 क्वांटिटी डिलीवर्स में गया। परसेंटेज देखा जाए दोस्तों बहुत ही निराशा करने वाला परसेंटेज है, 16.54% यहाँ पे कन्वर्जन है दोस्तों, जो कि बहुत ही निराशाजनक यहाँ पे माना जा सकता है इस रेशो को। दोस्तों मैंने हमेशा कहा है अबाउ 20% इट्स अ गुड टू बाय, बट राइट नाउ इट्स अ वेरी लो ऑन बाइंग डिलीवरी, सो यू शुड बी अवॉइड इट, आप अवॉइड कर सकते हैं इसको दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फिलहाल इसकी जो बाइंग क्वान्टिटी इसमें कम आ रही है। तो चलिए दोस्तों आपको न्यूज़ बताते, उस न्यूज़ में RBL बैंक ने अपने पैर पे किस कदर कुलाड़ी मार के लिए, जिसके कारण और इसमें पुश डाउन मूवमेंट आने की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरह से उसका EPS है, कितना कैपिटल के दोस्तों यहाँ पे 5,644.01 करोड़ का यह कैपिटल है उसका। EPS देखिए दोस्तों यहाँ पे 12.55 का है दोस्तों। इनका PE देखिए दोस्तों 8.84 का है, जो कि इतना ठीक नहीं माना जाएगा, जो कि उनका जो EPS एंड उनका PE का जो रेशो है उसमें का डिस्टेंस थोड़ा कम है दोस्तों, जिसके कारण मैं समझ रहा हूँ कि इसमें अभी भी बाइंग के लिए जाना थोड़ा टफ है। देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ी सी नीचे जाएंगे स्टॉक अलर्ट में, तो यहाँ भी आपको थोड़ा न्यूज़ अलर्ट मिल जाएगा। देखिए ये आ रहा
ओनली सेलर्स इन RBL बैंक ऑन April 3, 2020। तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियरली पता चल गई होगी कि यहाँ पे अभी NSE पे खाली यहाँ पे सेलर ही खड़े हैं, बाइंग के लिए कोई नहीं है। तो ये बात समझनी है आपको। देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था, 85% तक आपका कैपिटल इरोड हो चुका है, मतलब जस्ट 15% पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, उनका कैपिटल कितना इरोड हुई है आप समझ सकते हैं। देखिए, एक हफ्ते में 31% से ज़्यादा इनकी गिरावट है, दो महीने एक वीक में की बात की जाए तो 31% से ज़्यादा है, और एक महीने की बात करें तो 60% से ज़्यादा गिरावट, तीन महीने की बात की जाए 68% से ज़्यादा गिरावट, और छः महीने की बात करें तो 62% से ज़्यादा, और टोटली वन ईयर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 83.68% से ज़्यादा गिरावट यहाँ पे दिखा रहा है RBL बैंक। तो चलिए दोस्तों, हम अभी चलते हैं न्यूज़ पे, और जो न्यूज़ आई है जिसके कारण RBL में पुश डाउन साइड एक मूवमेंट आने वाली, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलेगी। आप देख सकते हैं हेडलाइन में किस तरह से यहाँ पे RBL बैंक डिपॉजिट बेस सी अबाउट 8% रिडक्शन इन जनवरी मार्च। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटली अभी उनकी जो कैपिटल जमा होती है, डिपॉजिट जमा होती है कस्टमर से, क्लाइंट से, उसमें 8% से रिडक्शन आया है, मतलब उसमें 8% गिरावट आई है। द RBL ऑन मैनेजड सेड इट्स अ विटनेस अ रिडक्शन ऑफ अंडर 8% इन द डिपॉजिट बेस इन मार्च क्वार्टर एज अ गवर्नमेंट बॉडी इज बिकम अ मोर अवेयर टू पार्किंग मनी विद द प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स फॉलोइंग द यस बैंक क्राइसिस। उसके बाद मतलब वो बोल रही है, यस बैंक के जो क्राइसिस होने के बाद जो लोगों ने पैसे रखे थे उसमें गिरावट आने लगी है, जो रखने वाले पैसे उसमें भी गिरावट आने लगी है, मतलब लोगों का जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर का थोड़ा सा विश्वास है थोड़ा सा डगमगाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, और जो गवर्नमेंट अपनी अवेयरनेस दिखाती है उसके साथ ही लोगों ने अपना जो एक विश्वास है उसको कम कर दिया है जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक से। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर बैंक को थोड़ा सा एक शायद आने वाले दिनों में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो देखिए दोस्तों, द सिटी बेस्ड बैंक विच हैज़ बीन मैसिव इरोजन इन द स्टॉक प्राइस रिसेंटली हावेयर अरेस्टेड दैट इज डूइंग वेल अक्रॉस ऑल बिजनेस पैरामीटर्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उनका जो बिजनेस पैरामीटर उसमें उनको बहुत सारा लॉस दिखाई दे रहा है, और सबसे बड़ी बात उनकी जो शेयर प्राइस है दोस्तों बहुत सारी इरोज हो चुकी है, जिसके कारण जो शेयर 716 का ट्रेड करने वाला आज 110 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 15% पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, इट्स अ बिग बिग प्राइस फॉलिंग कह सकते हैं हम इसको। तो द क्राइसिस यस बैंक हैड ट्रिगर्ड स्केयर ऑन हेल्थ ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेंडर एंड लीड टू डिपॉजिट विड्रॉल्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यस बैंक का जो ट्रिगर हो गया वो चीज़ें सामने आई, उसके बाद जो लेंडर्स थे प्राइवेट सेक्टर उसमें जो डिपॉजिट था उसमें क्या ज़्यादा बढ़ा दोस्तों, विड्रॉवल ज़्यादा बढ़ने लग गया, मतलब डिपॉजिट नहीं हो रहा पैसा, जो डिपॉजिट किया वो विड्रॉवल के जो सीमाएँ थी उसको तोड़ कर लोग वापस अपना पैसा लेने के पीछे पड़े थे, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट में सब बैंक डूब रही है, बैंक्स डूब रही है, इसके लिए जो अफवाहें फैल रही थी दोस्तों उसको ज़्यादा प्रावधान कहाँ मिला, यस बैंक से मिला। दोस्तों, यस बैंक ये चौथी लेंडर बैंक थी हमारे इंडिया की जो कि क्राइसिस के कारण थोड़ा डूबते डूबते बची है, मगर दोस्तों लोगों का विश्वास टूट रहा है प्राइवेट बैंकों से, जिसके कारण RBL को भी उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों और जानेंगे। देखिए दोस्तों, इन स्पेशल स्टेटमेंट इशू बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द क्वार्टर रिजल्ट ऑफ द जनवरी मार्च पीरियड RBL बैंक से देयर हैव बीन रन ऑफ इन द डिपॉजिट बेस ऑफ अंडर 8%। यहाँ पे रन ऑफ हो गया, मतलब 8% का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा हमारे बिजनेस से बाहर हो गया, जिसके कारण हम वो बिजनेस में नहीं ले सकते पैसा, और वो पैसा बिजनेस में ना होने की वजह से हमको उसका खामियाजा भुगतने पड़ रहा है। तो रिडक्शन इसेंशियली इन बल्क डिपॉजिट फ्रॉम गवर्नमेंट एंटिटीज कॉरपोरेशंस द बैंक सेड द स्टेटमेंट इशू आफ्टर मार्केट हार्स। दोस्तों, बहुत सारी दिक्कतें उनको आ रही है, जिसके कारण अभी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा खामियाजा बैंक को भुगतना पड़ रहा है। वाइल द एसेट क्वालिटी हैज़ बीन मार्क एज स्टेबल द बैंक एक्सेप्ट देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन स्लिपेज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है, मगर उनके इंक्रीजेस ऑफ इन स्लिपेज जो बड़े हैं दोस्तों, थोड़ा और प्रॉब्लम बढ़ गया है। होलसेल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेगमेंट ऑन अकाउंट स्ट्रेस इन इनएबिलिटी टू कलेक्ट इन द लास्ट फ्यू डेज बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम लॉकडाउन की वजह से भी आया है, जिसके कारण अभी यहाँ पे RBL में और एक पुश डाउन मूवमेंट आने वाला है। तो दोस्तों, आप रेडी हो जाइए। तो दोस्तों, मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ, पहले से आगाह कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मगर दोस्तों मेरा काम तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, मैंने पूछा ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना दोस्तों, और आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आना है, तो इसलिए मेरे दिए गए लिंक में स्टॉक है,
उसको लिंक को ओपन कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और फ्री में मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में एंट्री पाइए और बहुत सारा प्रॉफिट कमाने का मौका पाइए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक तो ज़रूर करना, दोस्तों तक शेयर करने के लिए ज़रूर ना भूले, क्योंकि दोस्तों शेयर करिए क्योंकि आपके दोस्तों के साथ भी आपका प्रॉफिट और उनका भी प्रॉफिट बनना चाहिए और उनका भी नॉलेज बढ़ना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।